All right. So good evening once again, every one of you. And I'm back here today aapke saath exclusive ek session leke. And this is going to be a daily looking makeup ट्यूटोरियल जो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ. यानी कि अगर हर रोज अगर आप मेकअप करके निकल रहे हैं तो किस तरीके का मेकअप आपको करना है, रोज मेकअप करार जन्य की एसेंशियल्स दरकार, खूब तारातारी करार जन्य की दरकार, और अवश्य की हाइलाइट्स हमरा करब मेनलि जखन हमरा एवरीडे करछि मेकअप. सो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मेकअप जो है आजकल हमारा एक बेसिक बाहर निकलने से पहले एक नीड बन चुका है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम लोग कॉन्फिडेंट दिखे, हम बहुत ही खूबसूरत एक फ्लॉलेस स्किन के साथ निकले. तो मेकअप जो है वो पावर रखता है कि आपका स्किन जो है वो फ्लॉलेस दिखे. सो गुड इवनिंग वंस अगेन एवरीवन जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है. सो मैं आप सबसे आज शेयर करूंगी डेली मेकअप रूटीन. तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऑफ कोर्स अपना स्किन केयर रूटीन जो है उसे फॉलो करना है. अगर आप क्लेंजर यूज कर रहे हैं, टोनर यूज कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा एक मॉइस्चराइजर लेके अपने फेस में लगा लीजिएगा, ताकि एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट जो है वो आपके स्किन को मिले बिफोर गोइंग टू द मेकअप पार्ट. तो ड्राई फ्लेकी स्किन में मेकअप अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा मॉइस्चराइज्ड स्किन रहेगा तो ऑफकोर्स आपके लिए बेटर रहेगा. तो एक तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करार पर हमरा मेकअप এর দিকে যাব. কিন্তু হ্যাঁ, প্রত্যেকে আমরা জানি যে এভরিডে যখন আমরা মেকআপ করি তখন অত সময় আমাদের কাছে থাকে না যে ফাউন্ডেশনের পর ফাউন্ডেশন, একটা লেয়ারের পর আরেকটা লেয়ার দিয়ে একদম ফ্ললেস স্কিন করে বেরোব. আধ ঘন্টা বা 45 মিনিট আমাদের কাছে থাকে না যখন আমরা এভরিডে মেকআপ করে চট জলদি বেরোতে চাই, তাই তো? অ্যান্ড এট দ্য সেম টাইম আগর আপ চা রে হ্যায় কি बहुत ही कम टाइम में आप बहुत ही एक ग्लोइंग स्किन के साथ बाहर जाए तो क्या करना है उसके लिए, वो आज हम लोग जानेंगे. सो जैसे कि मैंने कहा, ऑफ कोर्स आप अपने स्किन केयर रूटीन कर ले, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर यूज कर ले, और मॉइस्चराइजर यूज करते वक्त थोड़ा ध्यान रखे कि खूब बेशी हाथे चेपे 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 मसाज करबें ना, कारण ताते की है स्वेटिंग आरो बेशी है. तो हल्का करे फेसे ओई मॉइस्चराइजर टा खूब कम क्वांटिटी ते अप्लाई करे नेबें. एंड तारपरे जदि मने हय जेटा आमी सब समय यूज करी, एटा आमार वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट्स, दैट इज द जीजी प्राइमर. आमार सब समय मने हय जब भी मैं मेकअप कर रही हूं तो थोड़ा सा ग्लोइंग स्किन हो तो बेहतर है, तो मैं थोड़ा सा एटलीस्ट वन ड्रॉप एवरीडे यूज करती हूं ये प्राइमर, क्योंकि मेरा ये बहुत ही फेवरेट सा एक प्राइमर है जो मुझे ग्लोइंग स्किन पाने में मदद करती है. सो जस्ट वन ड्रॉप आई हैव टेकन, और उसके साथ ही साथ आप इस प्राइमर को अप्लाई करें अपने स्किन में. ऑफ कोर्स मेरे पास ब्रश है, मैं ब्रश के साथ अप्लाई करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि हाइजीन मेंटेन करना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है. एंड यूजुअली भी अगर आप यूज कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो प्लीज थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करने के लिए वो थोड़ा सा ब्रशेस यूज करें तो आपके लिए बेहतर है, एप्लीकेशन वाइज भी, हाइजीन वाइज भी. सो ये मैं थोड़ा सा अप्लाई करती हूँ, क्योंकि हमेशा मुझे ये एक बहुत ही बेहतरीन ग्लो पाने में मदद करती है. देखिए मेरा स्किन कितना ग्लोइंग लग रहा है. तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट एक प्रोडक्ट है जो मैं यूज करती हूँ अपने मेकअप से पहले. तो अगर आप चाहे हर रोज इसे यूज करना तो आप ऑफकोर्स कर सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे खासियत जो है इसमें हाइरोलोनिक एसिड है, जिससे कि आपका बहुत ही एक खूबसूरत प्लम्पिंग इफेक्ट आपके स्किन को मिल जाता है अगर आप इसे यूज करते हैं बिफोर मेकअप. तो चट करे अपनी एटाके एकटुखानी एक दो ड्रॉप निए पूरा स्किने यूज करे फेलबेन. एंड तारपरे जेरकम आमि बोललाम जे एवरीडे आमादेर यूज करार जोन्नो फाउंडेशन যদিও বা আমার কাছে সবসময় থাকে, এভারলাস্টিং বলুন বা দওয়ানের আপনি ইলিউস্কিন বলুন, আমার কাছে ফাউন্ডেশন থাকে, বাট দেন এভরিডে ইউজ এর জন্য, চট জলদি ইউজ এর জন্য আমার মনে হয় এটার থেকে বেটার কিছু হয় না. দিস ইজ দ্য সিসি ক্রিম, দিস ইজ দ্য জদানি গোল্ড সিসি ক্রিম. সিসি ক্রিম এতটাই ভালো যে আগর আপকে স্কিন মে ব্লেমিশেস হ্যায়, স্পটস হ্যায়, आपके अंडर आई एरिया में थोड़ा सा डार्कनेस है, ये सब कुछ गायब कर देता है. ये एक ऑल इन वन सोल्यूशन मुझे लगता है जो कि आप हर रोज यूज कर सकते हैं. और सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इसमें आप देखिए एसपीएफ भी है. एसपीएफ कितना है? 35. यानी कि अगर आप समर टाइम पे सुबह को इसको यूज करते हैं तो आपको सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी मिलता है, जो कि एक एडिशनल एज है इसका. तो जरूर मैं इसे यूज करूंगी. मैं ज्यादा कंसीलर या ज्यादा करके आपका जो भी फाउंडेशन, लेयरिंग, ये सब कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ दिस सेगमेंट में कि डेली लुक कैसे करते हैं. मेरे पास ऐसा एक स्पंज है
सो आप अपने हिसाब से स्पंज भी यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन के लिए इजी रहता है एंड एट द सेम टाइम मुझे लगता है ब्लेंडिंग के लिए भी काफी आसानी होता है. सो मैं इस स्पंज से काफी खुश हूँ. तो आप भी इस तरीके का एक स्पंज यूज करें और अपने स्किन को जो है फाउंडेशन को बहुत ही जल्दी से ब्लेंड कर सकते हैं. आपको आप इसे बहुत ही कम टाइम लगता है और अच्छे से आप इसे ब्लेंड कर ले. देखिए इट्स ऑल अबाउट ब्लेंडिंग. तो अच्छे से आप देखिए ये हेयरलाइन एरिया है, इसमें भी अच्छे से अगर आप ब्लेंड कर लीजिएगा तो ये जो है डिफरेंट नहीं दिखेगा कि आपके स्किन का है हेयर वाला पार्ट में डिफरेंट कलर है, फिर आपके फेस में अलग कलर है, उस तरीके का जो है प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगे. तो आपको इसमें ब्लेंड करने में काफी आसानी रहेगी और बहुत क्विकली ये ब्लेंड हो जाएगा. देखिए मैं आपसे बात करते करते कर रही हूँ तो थोड़ा सा मैं टाइम लेके आपको समझा के कर रही हूँ, बट नॉर्मली जो बोली जाए मेकअपटा करते कतक्षण टाइम लागे, नथिंग मोर देन मैक्सिमम 8 मिनट्स. आमी 5 থেকে 8 মিনিটের মধ্যে মেকআপটা করতে পারি. সো ট্রাই ইট আউট নিজেরা বাড়িতে. আমি বলবো তার থেকেও কম টাইম লাগবে যদি আপনি এক্সপার্ট হয়ে যান, একটু ভালো ব্লেন্ডিং করে নেবেন. হ্যাঁ, মেরা আর এক টিপ হ্যাঁ, अगर आपको लगता है कि आपके स्किन में थोड़ा सा ब्लेमिशेस ज्यादा है, कोई भी जगह में थोड़ा सा ब्लेमिशेस ज्यादा है या स्पॉट्स या पिगमेंटेशन ज्यादा है, तो आप जो है नेक्स्ट टाइम पूरा एक बार फेस में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, उसके बाद और एक बार जो है उसको लेके, जैसे मेरे पास भी थोड़ा सा अंडर आई एरिया में थोड़ा सा डार्कनेस है, तो मेरे स्किन में कुछ भी पिगमेंटेशन या पिंपल्स नहीं है, पर किसी का अगर है तो वो पर्टिकुलर पार्ट में आप थोड़ा सा उसे डैप कर लीजिएगा, इस तरीके से डैप कर लीजिएगा. स्पेशली अंडर आई एरिया में ज्यादातर लोगों का रहता है थोड़ा सा डार्कनेस, तो वो एरिया में अगर आप डैप कर लेंगे तो आसानी रहेगी. ठीक है, इनफैक्ट मैं बोलूंगी आईलिड्स को भी कभी मत छोड़िएगा, बिकॉज आईलिड्स के ऊपर वाले पार्ट भी अगर आप अच्छे से सीसी क्रीम यूज कर लेते हैं तो बाद में जाके क्या होता है ना, आपका स्किन जो है मेकअप के बाद बहुत ही ग्लोइंग स्किन हो जाता है एंड दैट इज ऑल द मोर अट्रैक्टिव. देखिए मैं अंडर आई एरिया को कवर कर रही हूँ. आई एरिया जो है ये ज्यादातर लोगों का थोड़ा सा डार्कनेस रहता है, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा. सो दिस इज द ओरिफ्लेम जीजी क्रीम. आप ओरिफ्लेम के मीटिंग में है सो ऑब्वियसली ओरिफ्लेम के ही प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ. सो दिस इज द ओरिफ्लेम जीजी क्रीम जो मैंने सीसी क्रीम जो जर्दानी गोल्ड का आता है जो मैंने यूज किया अभी अभी. इट्स अ ऑल इन वन क्रीम जो आपके करेक्शन के लिए यूज होता है. Yes, Priyanka is asking that oily skin hai ki CC cream use kora jabe. Yes, all skin type pe CC cream amra use korte pari. Trust me, amar nijero oily skin, mera khud ka bhi skin jo hai, wo actually main oily nahi kahungi, mera skin type jo hai wo thoda combination hai. Yani ki summers aate hi wo thoda zyada hi oily ho jata hai aur winters mein thoda zyada dry ho jata hai, jo ki zyadatar logo ka rehta hai. To of course you can use, koi problem nahi hai, aap zarur use kar sakte hai. Okay? So my blending is done. मैंने सिर्फ दो चीज यूज किया अभी तक, अगर आपने देखा होगा, that is one, मैंने प्राइमर यूज किया, two, मैंने सीसी क्रीम यूज किया, बस मैंने और कुछ भी नहीं यूज किया है अभी तक. एंड ऑफकोर्स जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपका एक्सपोज्ड एरियाज है, जैसे कि आपके नेक एरिया हो गया, आपका जो ईयर्स हो गया, ये सारे एरियाज में भी आप इवनली उसे डिस्ट्रीब्यूट कर ले. ऑफकोर्स उसको छोड़िएगा नहीं. देखिए आपने अगर कभी भी मेकअप नहीं किया है, यही मौका है, घर बैठे थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा. ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट मिलता है वो आपको एक नया ग्लोइंग स्किन पाने में मदद करती है, जो कि बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है. राइट, सो आई एम डन विद द प्राइमर, आई एम डन विद द सीसी क्रीम. अब मैं क्या यूज करूँ? ऑफकोर्स मैं जो अभी यूज करने वाली हूँ वो है कॉम्पैक्ट. आपके पास अगर जर्दानी गोल्ड का कॉम्पैक्ट है आप उसे यूज करें. मेरे पास जो है ये हमारा द वन रेंज का कॉम्पैक्ट है जो मैं यूज करती हूँ, मुझे ये बहुत ही पसंद है. और मैंने नया जो अभी हमारे पास ऑन कलर का रेंज है उसमें भी एक प्राइमर, सॉरी उसमें भी मैंने एक कॉम्पैक्ट ऐड किया है
एंड वो बहुत ही खूबसूरत एक बेबी पिंक कलर के पैकेजिंग में आता है, वो मेरा काफी फेवरेट है. और डेली यूज के लिए मैं बोलूंगी कि ऑफकोर्स आपका अगर ज्यादा एजिंग साइंस नहीं है, जॉर्डानी गोल्ड ऑफकोर्स हम लोग अगर कोई एजिंग साइंस है तो उसके लिए हमेशा रिकमेंड करते हैं, बट अगर आपके एजिंग साइंस नहीं है तो आप इनमें से कोई भी एक कॉम्पैक्ट जो है यूज करें. और सिर्फ वही नहीं, कॉम्पैक्ट जो है मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी अपने जो है स्क्रीन को थोड़ा सा मेंटेन रखे ताकि सब कोई देख पाए. ओके सो यस, जैसे कि मैंने कहा कॉम्पैक्ट आप रेगुलर बेसिस में जो है ये भी यूज कर सकते हैं, वेरी इजी टू यूज. आप अगर कॉम्पैक्ट यूज कर रहे हैं, मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगी कि आप जो है एक ब्रश के साथ यूज करें. ऑल राइट, आप कॉम्पैक्ट कुछ भी यूज करें, ब्रश के साथ यूज करें. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका कॉम्पैक्ट जो है बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका कॉम्पैक्ट. देखिए मैंने यहाँ पे ब्रश में लिया कॉम्पैक्ट, और अगर आपको झाड़ना भी है तो बॉक्स के अंदर ही झाड़िएगा. ओके, जो लेफ्ट ओवर पार्टिकल है उसी में जाके गिरेगा, और ऐसे आप पूरे स्किन में जो है यूज कर लीजिएगा. ऑल राइट, सो क्या हो रहा है, आपको एक मैटिफाइंग लुक भी मिल रहा है. आपका जो है गर्मी में जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स होता है कि मेकअप गलने का प्रॉब्लम होता है, तो वो आपको नहीं होगा. और मैं हमेशा अपने बैग में कॉम्पैक्ट कैरी करती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ बाहर. तो ऑफकोर्स लॉकडाउन के बाद जब आप लोग फिर से अपना काम शुरू करेंगे, बाहर जाएंगे, तो ऑफकोर्स आपको ये कॉम्पैक्ट जो है अपने बैग में रखना ही पड़ेगा थोड़ा टचअप के लिए. तो आई एम डन, मैंने अपना बेस जो है एवरीडे लुक के लिए क्रिएट कर लिया है. ज्यादा केकीनेस मुझे अच्छा नहीं लगता है, जो होता है ना बहुत भारी भारी जो फाउंडेशंस रहते हैं वो काफी आपके स्किन को ना गर्मी में इरिटेट करता है. गर्मी में जितना लाइट आपका बेस होगा उतना ज्यादा कंफर्टेबल आप फील करोगे. तो इसके लिए मैंने जो है काफी लाइट रखा है अपने बेस को. मैंने जीजी का प्राइमर दिया है, सीसी क्रीम दिया है, और मैंने बस कॉम्पैक्ट यूज किया है और कुछ नहीं यूज किया है अभी तक. ओके सो नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैंने अपना बेस कंप्लीट कर लिया है, तो अभी मैं आईज में जाऊंगी. तो आई मेकअप के लिए देखिए, हर रोज जब जल्द से जल्द आपको निकलना पड़ता है तो आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, मैक्सिमम आप आईलाइनर यूज करोगे, और क्या कर सकते हो, और आप थोड़ा सा अपना जो आईब्रोज है उसको डिफाइन कर लोगे, क्योंकि आईब्रोज बिना डिफाइन किए अगर आप जाओगे तो मेकअप जो है उतना अच्छा दिखता नहीं है. तो उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, मैं थोड़ा सा आई शेडो यूज करूंगी आज, क्योंकि समर्स है और सुबह के टाइम पे अगर हम लोग कर रहे हैं तो मेरे पास मेरा खुद का पैलेट बना हुआ है अपने कलर्स के साथ. ये द वन का पैलेट है जो हम लोग अपने फेवरेट कलर्स के साथ बना सकते हैं. तो मैंने अपने फेवरेट कलर्स के साथ पैलेट ऑलरेडी बना लिया है. अगर आपने भी बना लिया है तो प्लीज लास्ट में शेयर कीजिएगा. सो आई एम गोइंग टू यूज अ वेरी लाइट शेड, क्योंकि समर का टाइम है तो मुझे लाइट कलर्स काफी कूलिंग लगता है समर्स के वक्त. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस वन, ये वाला शेड मैं यूज करने वाली हूँ. सो आई विल टेक इट एंड आई विल यूज. इसका पिगमेंट जो है मुझे काफी पसंद है, क्योंकि इसका पिगमेंट अमेजिंग है. मैं फिंगर से भी अप्लाई करती हूँ कभी कभी. सो जल्दी जल्दी कभी निकलना होता है तो ऑफकोर्स हाइजीनिक वे में अगर आप देखें तो ऑफकोर्स आप अपने फिंगर्स को अच्छे से जो है क्लीन कर ले, और उसके बाद अगर आप एवरीडे यूज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं. ऑल राइट, अगर आपके पास ब्रश है तो नथिंग लाइक इट, आप ब्रश को भी यूज कर सकते हैं. ये काफी लाइट कलर है, अगर आप देख रहे हैं मैं अप्लाई कर रही हूं तो काफी लाइट और सूदिंग कलर है जिसमें थोड़ा सा शिमरी इफेक्ट है. राइट, तो मैं आज ज्यादा कुछ नहीं करने वाली हूं, क्योंकि मैंने कहा कि ये मेरा एवरीडे लुक है, तो एवरीडे हम लोग लाउड लुक या मेकअप के साथ नहीं निकलते हैं. राइट, तो हम लोग काफी जो है कलर्स या फिर सब कुछ ऐड करेंगे जो कि काफी नेचुरल हो. तो मैं आज नेचुरल मेकअप ही ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करूंगी. ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा आई शेडो अप्लाई कर लिया, थोड़ा शिमरी टाइप का, एक बहुत ही लाइट
शेप का। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं थोड़ा सा अपना आईब्रोज को डिफाइन करने वाली हूँ। ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैं सोचती हूँ अगर आईब्रोज आपका वेल डिफाइंड है तो आपका मेकअप जो है वो उभर के आता है। मैंने आईब्रोटा कोल्ले खूब सुंदर अपना मेकअपटा बेरी आशे। मुझे सिमरन ने लिखा है यहाँ पे, मैं जितना देख पा रही हूँ, मैं सबका चैट एक बार में नहीं देख पा रही हूँ, तो उन्होंने लिखा है कि थोड़ा सा पैलेट आपका दिखाइए। तो दिस इज माय पैलेट सिमरन, मैंने ये सारे शेड्स रखा है। देखो एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्रॉन्ज शेड है, ये एक बहुत ही बेस कलर का है, ये ब्लैक है, ये गोल्डन है जो कि मैं हमेशा थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए भी यूज करती हूँ। दिस इज अगेन अ वेरी लाइट पिंक पीची शेड, एंड ऑफ कोर्स मैंने सिल्वर भी रखा है। ये वाइट दिख रहा होगा बट ये एक्चुअल में सिल्वर है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट माय पैलेट जो कि मैंने आपसे शेयर किया, मेरा खुद का बना हुआ पैलेट विथ माय फेवरेट कलर्स ऑफ कोर्स ऑफ ऑल टाइम। ओके सो दैट वाज इट, मैंने अपने आई शेडो जो है अप्लाई कर लिए है। अभी मैं थोड़ा सा अपना आईब्रोज को डिफाइन करने वाली हूँ, तो आइए देखते हैं किस तरीके से मैं आईब्रो को डिफाइन करने वाली हूँ। ऑलराइट, सो टू डिफाइन माय आईब्रोज, जो मैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट करने वाली हूँ, जनरली हम लोग ये दो प्रोडक्ट को हमेशा यूज करते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर द आईब्रोज। वन इज आपका जो डुओ आई पेंसिल है वो, अगर आपको आईब्रो ड्रॉ करना आता है तो आप अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आप जल्दी जल्दी में निकलना चाह रहे हैं तो प्लीज अपने फ्लो के हिसाब से, जैसे आपका आईब्रोज है उस हिसाब से थोड़ा हल्का सा आप ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए मैं कर रही हूँ, मैं इस तरफ से कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो मिरर है वो यहाँ पे है। ये काफी अच्छा है क्योंकि इसका जो कलर है ये ब्लैक भी नहीं है, ब्राउन भी नहीं है, तो काफी ओरिजिनल और काफी जो है अच्छा लगता है ये। और आईब्रोज जो है अपना जो भी फ्लो है उससे ज्यादा चौड़ा भी मत कीजिएगा, थोड़ा लाइट भी मत कीजिएगा, जितना कि आपका आईब्रोज है उस हिसाब से आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैं वही कर रही हूँ, और अगर आपके आईब्रोज में कहीं पे भी गैप है तो आप उस गैप को भी फिल अप कर सकते हैं इसके साथ। ऑलराइट, सो दिस वन इज डन, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा राइट। सो आई विल डू द सेम थिंग विद दिस आईब्रो ऑल्सो। सामने का पार्ट जो है एकदम इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसको ज्यादा आप डार्क नहीं कीजिएगा, क्योंकि फिर ना वो नेचुरल नहीं दिखता है। सो जनरली हमारा जैसा फ्लो रहता है उसी के हिसाब से आप कीजिएगा। जेरकम मोटा मोटी हमारे जो कारोर राउंड शेप आछे, कारोर जो आईब्रोटा एक टूखानी आर्च मतन आछे, सो गो विद द फ्लो, डोंट ओवर डू बट गो विद द नॉर्मल फ्लो विच यू हैव। ऑलराइट, सो मैंने अपने आईब्रोज जो है ड्रॉ कर लिया है, और टू गिव इट अ फिनिशिंग टच, और भी थोड़ा ज्यादा इसको फिनिशिंग टच देने के लिए मैं जो है ये ब्रोकारा यूज करती हूँ। मुझे ये काफी पसंद है, मैं आईब्रोज के पीछे थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये जो है मेकअप को और भी उभर के बाहर निकालता है। सो प्लीज जब भी आप मेकअप करें, हर रोज भी अगर कर रहे हैं, अगर बाहर निकल रहे हैं तो अगर देर इज नो हार्म अगर आप ब्लेंडिंग के लिए कम टाइम रखें, स्पंज के साथ आप अच्छे से ब्लेंडिंग कर ले, बट देन प्लीज इंश्योर कि थोड़ा सा टाइम जो है वो आईज को हाईलाइट करने में जरूर रखे, क्योंकि आईज जो है वो हमें लोगों के दिल तक पहुंचाती है जब हम लोग बात करते हैं। सो अगेन आई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन माई आई मेकअप, सो मैं वही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त तो आई मेकअप के लिए आप डाल ही सकते हैं। ये इनिशियली जब आप शुरू करेंगे तो थोड़ा सा आपका वक्त लगेगा, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे आप करते रहेंगे आप मेकअप में और भी ज्यादा टाइम बचा पाएंगे। मैं प्लीज सबसे रिक्वेस्ट करूंगी अपने क्वेश्चंस जो है उसे थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, लास्ट में मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स राउंड में जरूर आपको जो है आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगी। सो ओके, सो नाउ माई आईब्रोज आर डन। आज मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपसे शेयर करने वाली हूँ, वो है लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था कि आपको जो है स्मोकी आईज किस तरीके से बनाने हैं। आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि विंग्ड लाइनर कैसे बनाना है, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है और मुझे लगता है अगर आप जान लेते हैं विंग्ड आईलाइनर कैसे बनाते हैं
तो आपका जो है कम वक्त में बहुत खूबसूरत सा आई मेकअप हो जाता है। आइए देखते हैं किस तरीके से मैं शॉर्टकट में बनाती हूँ विंक आईलाइनर। मेरे पास ये ओरिफ्लेम का जेल लाइनर पेंसिल है, मैं ये इसे यूज करती हूँ। अगर आपके पास इसमें से भी कोई एक है, जैसे कि ये ब्लू कलर का है, ठीक है, ये ब्लू कलर का पेंसिल है, यहाँ पे मेरे पास ब्लैक कलर का है, आई हैव अ लॉट ऑफ कलर्स, ठीक है, आई लव कलर्स, तो मेरे पास हमेशा रहता है काफी सारे। बट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ ब्लैक कलर विंग्ड लाइनर जो मैं अभी करके आपको दिखाने वाली हूँ। उसके लिए मैं थोड़ा सा जो है मेरे आई लाइनर को निकाल चुकी हूँ। और देखिए, मैं कोई भी चीज, आपके पास अगर कोई स्पेयर कार्ड भी है या फिर अगर आपके पास टेप जैसा कुछ है उसे भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं इसे इस तरीके से रखती हूँ और जो है एंड ऑफ द आईज मैं थोड़ा सा इसको खींच देती हूँ। देखिए मैंने क्या किया है, कैन यू सी, दिस इज व्हाट आई हैव डन, वेरी इजी। तो इस तरीके से मैं इस आईज में भी करने वाली हूँ। आप इसे इसे इस तरीके से रखिए। और एक विंग क्रिएट कर लीजिए। ओके, दिस इज वेरी वेरी इजी। अगर आप घर पे खुद ट्राई करेंगे, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी, डू ट्राई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों तरीके से मैंने विंग क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस विंग के साथ अपने आईज को मिलाना चाहती हूँ, थोड़ा सा थिक विंग लाइनर बना के। आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग उसे। उसके लिए थोड़ा सा आईज के जो लास्ट जो टिंज है, जो आपका आईज में जो चोखेट जो साइड दिखता है, ओटा के टू टेने धोते हबे धोड़े आमी ओटा के हमारे लाइन से साथे मिलिए देबो, ठीक है। उसको मैं जो है उसको मिला दूंगी अपने आईलिड के साथ। देखा आपने मैंने किस तरीके से किया, सुपर इजी। मैं थोड़ा सा अपना मिरर यूज कर लेती हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन में देख के कर रही थी। तो देखिए, अमी चाहले एटा के आरो मोटा करते पारी, आई कैन मेक इट थिक आल्सो, बट देन आई विल नॉट मेक इट मच थिक, बट मैं ऐसा ही रखना पसंद करती हूँ। तो अगर मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और इसको डिफाइन करना, आई कैन डू दैट। सी, आई हैव डन अ विंग्ड आईलाइनर, इजंट इट कूल? या आई लव इट पर्सनली, मुझे ये बहुत ही पसंद है। सो आई एम श्योर अगर आप भी घर पे ट्राई करेंगे, यू आर गोइंग टू लव इट टू। सो मैं दूसरे आईज में भी कर लेती हूँ एंड आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। सी, इट्स वेरी इजी। आप बस साइड को थोड़ा सा खींचिएगा बाहर और अपने आईज को जो है आईलिड को ड्रॉ करके वो जो लाइन है उसके साथ मिला दीजिए, जो लाइन आपने ड्रॉ किया था उसी के साथ मिला दीजिए। अगर कभी कभी करते करते आपको लगे कि ये साइड से थोड़ा सा निकल के आ रहा है या कुछ भी, आप कोई भी टिश्यू पेपर या कोई भी कपड़े के साथ उसको क्लीन कर सकते हैं। ऑलराइट, बट देन इट्स गोइंग टू बी इजी। जैसे कि मैंने कहा, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए ये आसान बनता जाएगा। जितनी बार आप करेंगे उतना बार आपका जो है आपके लिए आसान बनता जाएगा। देखिए, अगर आप लिक्विड लाइनर यूज करते हैं तो इसी चीज को आप और भी ज्यादा क्विकली बना सकते हैं। सो मैंने जेल लाइनर यूज किया है और कभी कभी आपको शायद लग सकता है कि अच्छा, जेल लाइनर यूज करने से ना मुझे एक प्रॉब्लम हो जाती है, वो है कभी कभी गल जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा जेल लाइनर यूज करने के बाद जो है मैंने अपना पैलेट यूज किया है, सॉरी मैं दिखाना भूल गई, दिस इज माई पैलेट, आई यूज ब्लैक कलर। एंड मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ब्रश में ब्लैक कलर लेके उसी लाइन के ऊपर से थोड़ा सा मैं यूज कर लेती हूँ। ओके, इससे थोड़ा सा मुझे मैटिफाइंग लुक मिल जाता है और ये ज्यादा देर तक भी रहता है। बस एक बार मैं उसे यूज कर लेती हूँ। Alright, so this is the winged eyeliner look जो मेरा काफी favorite रहा है और मुझे लगता है ये काफी जल्दी से भी हो जाता है, right? So this is something new
और थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि आपके ड्रेस के साथ मैच करके या कुछ भी आप कोई भी कलर लेके थोड़ा सा नीचे में यूज करना चाहते हैं, यू कैन इवन डू दैट, आई डोंट माइंड डूइंग दैट ऑल्सो, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा जो है उसको अगर आप नीचे की तरफ भी उसको मिलाना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू गिव योर आईज थोड़ा ओपन लुक और भी ज्यादा, तो आप उसी आई लाइनर को थोड़ा सा जो है वो नीचे के लाइन्स में भी पुल कर सकते हैं, पूरा नहीं फुल नहीं बट थोड़ा सा जरूर पुल कर सकते हैं। तो मैंने आधा ही यूज किया है, आधा जो है अपने आईज में यूज किया है, और मैं क्या करती हूँ मैं इसे स्मज कर लेती हूँ बाकी आईज के साथ, वाटर लाइन एरिया के साथ मैं इसे स्मज कर देती हूँ। इससे आपके आंखें जो है आपके आईज जो है वो काफी बड़े दिखते हैं और इट ओपन्स अप ऑल द मोर। मुझे काफी पसंद है ये चीज, तो इसीलिए मैंने आज आप सबसे शेयर किया विंग आईलाइनर लुक। ये काफी फैशन में भी है तो आप जरूर इसे यूज करें। एंड ऑफ कोर्स दिस आई एम डन विथ माय आई मेकअप। अगर आपको थोड़ा सा अपने आईलैशेस को जैसे कि मैं हमेशा अपने आईलैशेस को थोड़ा सा वर्क देती हूँ क्योंकि वो अगेन आपके आईज को और भी ब्यूटिफाई करता है, तो मैं आईलैश यूज कर रही हूँ। आई एम यूजिंग द वंडर लैश ट्रिपल डबल एक्सएल मस्कारा जो कि आपका वाटरप्रूफ मस्कारा है। इस महीने आपके पास एक नया मस्कारा भी है जो वाटरप्रूफ है, तो अगर आप गर्मी में यूज कर रहे हैं तो प्लीज इंश्योर कि आप वाटरप्रूफ मस्कारा ही यूज करें, ठीक है, क्योंकि वो गलता नहीं है और बहुत ज्यादा देर वो टिकता भी है। इस तरीके से आपने जो है अपने आई मेकअप को कंप्लीट कर लिया है। देखिए मैंने अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है, मस्कारा के साथ ही साथ मेरा आई मेकअप जो है वो भी कंप्लीट होता है। तो जिन लोगों ने अभी तक आज तक जो है वो काफी जन है, मैं जानती हूँ कि आप में से काफी जन ऐसे हैं जो सिर्फ आई मेकअप के लिए आप जो है काजल यूज करते हैं और कुछ नहीं यूज करते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि सिर्फ अगर काजल यूज करते हैं तो अभी वक्त है कि आप थोड़ा सा आई शेडो यूज करें, थोड़ा आईब्रोज को जो है वो खूबसूरत बनाएं, और इसके साथ ही साथ आप थोड़ा सा मस्कारा विंग्ड लाइनर ये सब भी ट्राई करें। इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग, आपको अच्छा लगने वाला है, आपके आईज जो है और भी खूबसूरत बनने वाले हैं। सो दिस इज अबाउट माई आई मेकअप जो कि एवरी डे के लिए आप यूज कर सकते हैं। एंड I want to share one more thing with you, जो हमेशा मैं share करती हूँ वो है आपके nose. Nose जो है हमारा काफी sharp करने का मन करता है जब भी हम लोग बात करते हैं, तो ये palette मैं काफी use करती हूँ। Last time भी मैंने आपको share किया था, ये GG का palette है जिसमें brown shade है, तो कोई भी brown color का shade अगर आपके पास मौका जो color है वो भी है तो आप उसे भी use कर सकते हैं। तो ब्राउन कलर का शेड के साथ मैं थोड़ा सा अपने मिडिल फिंगर जो है उसके साथ अपने थंब को यूज करती हूँ और थोड़ा जो है इस तरीके से मैं अपने नोज को कट करती हूँ। घबराइएगा नहीं, मैं इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूंगी। इससे क्या होता है आपके नोज जो है वो काफी हाईलाइट हो जाता है। It takes me just few minutes to do that. और अगर आपको लगता है कि आज के सेशन में मैं थोड़ा ज्यादा दिखा रही हूँ, बट अगर आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं एवरी डे लुक के लिए, मैं थोड़ा सा वापस से कॉन्टोरिंग पार्ट दिखाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे काफी जनों ने रिक्वेस्ट किया था कि कॉन्टोरिंग किस तरीके से होने से बेटर है वो थोड़ा सा दिखाइए। तो मैं आज आपसे थोड़ा और इजी वे में शेयर करने वाली हूँ कि कॉन्टोरिंग कैसे किया जा सकता है। जी हाँ, मैं यूज कर रही हूँ ब्रॉन्जिंग पर्ल, हमारा जो वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट्स है, और मैं यूज कर रही हूँ ये एंगुलर ब्रश को। हमारे पास एक एंगुलर ब्रश है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो
जरूर ऑफ कोर्स मैंने जो है अपने एंगुलर ब्रश में ऑलरेडी ये ले लिया है ब्रॉन्जिंग पर्ल, और बहुत सिंपल तरीके से आप जो है कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। देख लीजिए क्या करना है आपको, सिंपली अपने फेस में जो है वो थ्री ड्रॉ करना है। कैसे करते हैं हम लोग फेस, ऐसे ऐसे थ्री थ्री, तीन बनाना है, तीन तीन नम्बर इंग्लिश है जो तीन आछे ওই তিনটাকে ড্র করতে হবে। দেখুন আমি কি করে করছি, ওয়ান টু ওয়ান টু ওয়ান টু, ওকে। সো দিস ইজ অগেন আ ভেরি ইজি ট্যাকটিক যেটা দিয়ে আপনি কিন্তু কন্ট্রোলিং করতে পারেন বাড়িতে ইজিলি। সো হোয়াট ডিড আই, ওয়ান অ্যান্ড টু, আমি জাস্ট একটা থ্রি ড্র করছি, মে বাস থ্রি বানা রি আপনি ফেস মে দেখ লিজে, ওয়ান টু। ভেরি ইজি, ইয়া। ওয়ান্স অগেন অন দি আদার সাইড হোয়াট আই ডু ইজ আই ড্র থ্রি, ওয়ান অ্যান্ড টু, ওয়ান অ্যান্ড টু, ওয়ান অ্যান্ড টু। बहुत ही इजी है ये, घर पे ट्राई कीजिए अगर नहीं किया है अभी तक। वन एंड टू, बस थ्री बनाना है, वन एंड टू, वन एंड टू, वन एंड टू। ऑलराइट, सो ये जगह गुला अच्छे जखन हमरा यूज करछी ये थ्री टा बनाते, जब हम लोग ये थ्री बना रहे हैं तो ये जो जॉ लाइन है आपका, जॉ लाइन किसे बोलते हैं हम लोग, जॉ लाइन में अगर हम लोग यूज करते हैं, हाँ रोटा के हमें नीचे दिखे टेने दी, अगर मैं नीचे की तरफ उसको खींच देती हूँ तो मेरा क्या होता है, मेरा अगर डबल चिन है या फिर अगर मेरा थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा स्किन है तो वो करेक्शन हो जाता है। ऑल राइट, सो दिस इज अगेन अ वेरी इजी टैक्टिक जिससे कि आप अपने स्किन को कॉन्टोर कर सकते हैं। I personally love it. बस आपको थ्री ड्रॉ करना है, ओके। सो आई एम डन विद द कंटूरिंग ऑल्सो, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस थ्री बनाया। सी आई हैव जस्ट मेड अ थ्री, इट्स दैट इजी, यस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने जब अपने नोज को हाईलाइट कर ही लिए थे और आईब्रो को हाईलाइट कर लिया था, देखिए मैं वापस से ये जीजी का पैलेट यूज करती हूँ और ये जो व्हाइट बहुत ही लाइट एक शेड है उसको मैं थोड़ा सा जो है आईब्रोज के नीचे हाईलाइट करने के लिए यूज करती हूँ। मे बी सम पार्ट ऑफ इट इन द नोज ऑल्सो, जो पार्ट मैंने हाईलाइट करना चाहा हियर, मे बी थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ। Alright, so I'm done. मैंने थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लिया, मैंने कॉन्टोरिंग दिखा दिया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आज आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप जो है अपना फेस को कंप्लीट लुक दे सकते हैं। हाउ, बाय यूजिंग द लिपस्टिक। तो लिपस्टिक यूज करने का तरीका हम सबको पता है, बट बहुत जन जो नहीं करते हैं वो है आपके लिप्स को अगर आपको करेक्ट करना है तो वो किस तरीके से करना है। आज के आमी सबाई के बोलते चाहिए ए मासे किंतु ओरिफ्लेमर काछे प्रचुर प्रचुर लिप लाइनर्स आछे, तो लिप लाइनर्स अवश्य यूज करबेन कारण सेटा अपना लिप्सटाके करेक्ट करते हेल्प करे। एवरी डे के लिए आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास वक्त है तभी यूज कीजिए, बट दिस हैज गॉट मैजिकल इफेक्ट्स। एटा यूज कराते अपना लिपटा आरो सुंदर भावे ড্র করতে পারবেন আপনি, একদম পারফেক্ট করতে পারবেন আপনি। বাট দেন আমি আজকে অ্যাপ্লিকেশন দেখাচ্ছি, বাট এভরি ডে কে লিয়ে আপকো ইউজ নহীঁ করনা ভি চলেগা, ইউ ক্যান ডাইরেক্টলি গো ফর দ্য লিপস্টিকস অলসো। বাট দেন মে আজ আপ সবকে সামনে হু তো মে আজ সবসে শেয়ারই কর দেতি হু কি কিস তরিকে সে লিপ লাইনার ইউজ করতে হ্যায়। দেখিয়ে লিপ লাইনার জো হ্যায় সির্ফ বাহার কে তরফ হি নহীঁ, পুরা লিপস কো জো হ্যায় উসমে ইউজ করনা হ্যায়। অর দুসরা বাত ইয়ে হ্যায় কি জব আপ মেকআপ ইউজ কর রহে থে तब अपने लिप्स को भी अच्छे से जो है मेकअप के साथ साथ ढक लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा आपके ओरिजिनल लिप कलर जो है, किसी का थोड़ा सा डार्किश रहता है तो किसी का थोड़ा सा जो है पैची रहता है, तो वो सब प्रॉब्लम्स ढक जाएगा। अगर आपका काफी फ्लेकी स्किन है लिप्स में
तो आप टेंडर केयर जरूर यूज करें. ऑलराइट, सो आई एम गोना शो यू हाउ टू यूज दिस लिप लाइनर. मेरा अपर लिप जो है वो थोड़ा सा थिन है कंपेयर टू द लोअर लिप, तो मैं थोड़ा सा आज पाउटी लिप्स बना के आपको दिखाने वाली हूँ, जिससे कि मैं थोड़ा सा ऊपर के तरफ ज्यादा स्प्रेड आउट करने वाली हूँ इसको. देखिए मैंने अपर लिप को ड्रॉ कर लिया है, लोअर लिप अभी तक नहीं किया है, बट अपर लिप मेरा काफी थिन था, मैंने काफी जो है उसको ब्रॉड कर लिया है. ओके, सो मैंने लिप लाइनर यूज कर लिया है और सबको मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए लिप लाइनर अगर आप गर्मी में भी यूज करते हैं अपने इन द समर टाइम, इसका बेनिफिट एक है कि आपका लिपस्टिक जो है वो काफी ज्यादा देर टिकता है, इट स्टेज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. और मेरे पास काफी सारे लिपस्टिक्स है, बट मैं आज यूज करने वाली हूँ जीजी एलेक्जर. मैंने सोच के तो रखा था कि मैं यूज करूंगी एक न्यू शेड, but then I thought of now using something in Gigi. So मैं Gigi का ये elixir use कर रही हूँ, because इसमें जो है SPF 15 है जो आपके lips को protection देती है sun factor से. All right, okay. So I'm going to use this. See how I am using it. इसका बेस्ट पार्ट ये है, ये ड्राई हो जाता है कुछ ही मिनट में, एंड देन इट गिव्स यू अ वाव फैक्टर इन योर फेस. सो ये था मेरा मेकअप, माय मेकअप इज डन. ऑफ कोर्स आई एम रेडी टू गो आउट इन द सन. मैं अपने एवरीडे मेकअप में तैयार हूँ, पर मेकअप इनकम्प्लीट रहता है गर्मी के टाइम पे अगर आप बाल को ठीक से नहीं बनाते हैं तो. सो आज के अमी हेयर एरो की जो टिप्स देवो, विच इज added good news for all of you, कि गर्मी में अगर हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो हेयर मेकअप किस तरीके, हेयर स्टाइलिंग किस तरीके से कर सकते हैं ताकि हमारा लुक जो है वो कम्प्लीट हो. सो आई एम गोना ओपन दिस, आई एम गोना शो यू हाउ टू डू द हेयर. सो लेट्स सी हेयर को किस तरीके से आप कर सकते हैं, स्पेशली जो है इस वक्त, दैट इज समर्स के टाइम पे. इट्स वेरी इजी, अगर समर्स के टाइम पे हम लोग बाहर निकलते हैं तो ज्यादा से ज्यादातर हम लोग चाहते हैं कि हेयर जो है वो खुला ना छोड़े, क्योंकि हेयर को खुला छोड़ने से हमें क्या प्रॉब्लम होती है, हमें थोड़ा सा गर्मी लगता है, स्वेटिंग होती है ज्यादा. सो हेयर को बांध के भी फिर भी स्टाइलिश वे में कैसे बाहर निकलना है उसे हम लोग देखेंगे. ऑलराइट, सो बस अपने हेयर को एक पोनी के जैसा ले ले, सामने के तरफ ज्यादा खींचे नहीं, सामने दिखता बेशी टाइट कर बेन ना, सामने दिखता के लूज रख बेन, আর ওভারঅল হেয়ারটাকে একটা পনির মতন করে নিতে হবে. অল রাইট, সো ওয়েন আই ডু দিস ওভারঅল হেয়ার ইজ লাইক আ পনি, এন্ড দেন আই এম ইউজিং দিস ক্লিপ, বানানা ক্লিপ উইচ উই কল. সো আমি একটা বানানা ক্লিপ ইউজ করব, একটু হাইটে ইউজ করি আমি, যাতে ঘাড়ের থেকে চুলটা অনেকটাই ডিস্টেন্সে থাকে. অল রাইট, সো একটু হাইটে ইউজ করলাম আমি.
All right. And now what I do is, ami puro head take niye motamoti ektu khani erokom twist kore ekta bun korte pari. Okay, so this is like a bun. Ajkal erokom bun ba messy bun is also in fashion. It is very much in fashion. So aap use kare. उसके बाद थोड़ा सा कोई भी एक ब्लैक कलर का क्लिप यूज करे, रंग बिरंगे क्लिप अवश्य यूज करबेन ना। अगर एक कलर का यूज करना है तो प्लीज ब्लैक कलर का क्लिप आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया। इफ यू हैव अ लॉन्ग हेयर यू माइट नीड टू, यदि ভালো ग्रिप लागे তাহলে হয়তো ম্যাক্সিমাম দুটো লাগতে পারে। এন্ড দেন টু অ্যাড আ ফিনিশিং টাচ টু ইট, আমি সামনের দিকে কিছু হেয়ারস যে আছে ওটাকে বার করছি। অলরাইট, হোয়াই এম আই ডুইং দ্যাট? টু গিভ ইট আ মেসি এফেক্ট, একটু মেসি লুক দেওয়ার জন্য আমি ওটাকে একটু বার করছি। এন্ড দেন অফ কোর্স আগর আপকো মেরে জেসা থোড়া সা মেসি লুক পছন্দ হে, থোড়া সা ইউ নো ইট হ্যাজ টু বি আ লিটল নাইস লুক উইথ আ লিটল বিট অফ মেসিনেস, তো থোড়া সা আপনা হেয়ারস জো হে वो आप बाहर खींच के निकाल ले। एंड देन इफ यू वांट टू स्टाइल इट ऑल द मोर, कि थोड़ा सा कर्ल्स करना है या कुछ, तो आप जो है आप इसे यूज कर सकते हैं, दैट इज हेयर एक्स स्मूथ एंड स्लीक स्टाइलिंग जेल। तो मैं ये क्या करती हूँ, मैं इसको बस एक ड्रॉप लेती हूँ, आई जस्ट यूज अ ड्रॉप ऑफ इट, आप देख सकते हैं। एंड देन आई यूज इट इन द हेयर, সামনের দিকে যে হেয়ারটা আমি বার করেছি স্টাইলিং এর জন্য, আই জাস্ট ইউজ ইট ইন দ্যাট হেয়ার, ওকে, তাকি ও থোড়া ম্যানেজেবল ভি দিখে, ম্যানেজেবল ইয়েট স্টাইলিশ, ওকে। অলরাইট, সো আই অ্যাম অলমোস্ট ডান ফর দ্য ডে, আই হ্যাভ মাই মেকআপ ডান, আই হ্যাভ মাই হেয়ার ডান, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू लाइक इट। गरमे अफकोर्स हमरा चाहिए ना जे पूरा चूल खुले बाहर जेते, हमरा एक टू मैनेजेबल लुक चाहिए, एक टू खानी बेटर लुक चाहिए, तो शेख हेत्र आई थिंक इट्स द आइडियल लुक। एंड यू कैन ऑलवेज पेयर इट अप विथ योर ग्लासेस, इफ यू हैव ग्लासेस यू कैन हैव द बॉसी लुक ऑल्सो। सो दैट वॉज फ्रॉम माई एंड, आई लव्ड इट, थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर कमिंग आज के सेशने। I hope you like the daily look. অনেক দিন ধরে আমি request পাচ্ছিলাম যে daily look টা একটু দেখালে ভালো হয়, daily look টা একটু দেখালে ভালো হয়, because অনেকেরই confusion থাকে যে daily look টা কেরম হওয়াটা উচিত, right? So agar aapko ye daily look acha laga ho and you are ready with me to showcase your favorite product, ami shurutei bolechhilam je nijer favorite product ta amra nijeder kache rakhbo and last e amra ekta selfie tulbo. But yes, I have forgotten something very important. আমি সত্যি একটা বিশাল বড় জিনিস ভুলে গেছি, সেটা হলো আমরা যতই সেজে নি না কেন, যতই ভালো প্রফেশনাল জামা কাপড় পরে নি না কেন, আমাদের একটা জিনিস ছাড়া পুরো মেকআপটাই কিন্তু ইনকমপ্লিট থেকে যায়, সেটা হলো একটা পারফিউম। অ্যান্ড আজকে আমি আমার ফেভারিট পারফিউম ইউজ করব, দ্যাট ইজ লাভ পোশন, আই লাভ দিস ওয়ান। এটার ফ্রেগ্রেন্সের নোটটা এত ভালো, আমি নিজে পার্সোনালি খুব লাইক করি, প্লাস প্যাকেজিংটা তো আরো অসাধারণ। So I'm going to use it. It uplifts my mood. Amake next ekta sundor beautiful feel add kore dae. So I love it. I hope jara jara barite ache tara tara ekkhuni nije nije shajuguju kore perfume diye nijeke ei feel good factor ta ante paren. So you can try makeup at home. Try makeup, be happy, and now is the time I take question and answers. Ami shobar question and answers nebo and then I would be going for the selfie, right? আমি সবার সাথে সেলফিও নেব। এখনো পর্যন্ত যদি আপনারা সেলফির ব্যাপারে না ক্লিয়ার হয়ে থাকেন, লেট মি টেল ইউ, প্লিজ আপনি আপনি যে হে ফেভারিট প্রোডাক্ট কুছ ভি হো, ফেভারিট প্রোডাক্ট কুছ ভি হো, উসকে সাথ সাথ আপনি ক্যামেরাস কো অন কর লে, মে সেলফি লেনে ওয়ালি হু, জব মে বোলুঙ্গি তব অন কর লিজিয়েগা, আগর আপনি আবি তক নাহি লিয়া হে হাত মে, সো জব আপকা রেডি হো জায়ে, আপনি পাস হো জায়ে, তো আপ थोड़ा सा तैयार रहिए, लास्ट আমি আপনাদের সাথে একটা সেলফি নেব। ওকে, সো মেবি 5 মোর মিনিটস টু গো, এনিবডি এনি কোশ্চেন প্লিজ ইউ ক্যান ফিল ফ্রি টু আস্ক। ওকে, মধুশ্রী লিখছে, হুইচ এলিক্সার শেড হ্যাভ ইউ অ্যাপ্লাইড? ওকে,
I have applied the shade whose name is Series Pink. A shade ta use korechi jetar nam Series Pink. Okay, this is the shade I have applied. Eta amar personally khub favorite ekta shade. Okay, some hair remedy for long hair. Ekhon amra jehetu barite achi, of course a lot of remedies for you waiting. Ami ekta next session korbo jekhane obosshoi ami kichu tips share korbo with all of you. বাড়িতে থাকলে আর কি কি করে নিজেদেরকে আমরা মেনটেন রাখতে পারি। এখন তো ইন ফিউচার পার্লারে যাওয়াটাও একটা বিশাল বড় কোয়েশ্চন মার্ক হয়ে যাবে, এক বহুত বড় কোয়েশ্চন মার্ক হোনে ওয়ালা হ্যায় পার্লার জানা, তো ঘর বেঠে বেঠে কেসে ক্যা করনা হ্যায় উসকে লিয়ে অফকোর্স মে আউঙ্গি আপকে পাস ওয়াপস সে কুছ দিনো মে। এন্ড উইথ দ্যাট ফর শর্ট হেয়ার অর ফর লং হেয়ার প্লিজ উইকলি 2-3 বার শ্যাম্পু কিজিয়ে। হমারে পাস এক হেয়ার শিল্ড টেকনোলজি কা শ্যাম্পু ইস মন্থ লঞ্চ হুয়া হ্যায় which comes with a conditioner and an amplifier. So, usse aap use kare, or okay, usse aap zarur order kare, agar aapke products wise satisfaction chahiye, that can help you. Hair spa ki kore korte hai, amader videos ache, amader classes hoy, session hoy, to definitely hair spa ka session attend kijiye, samajh mein aa jayega ki ghar baithe kaise hair spa karna hai, long hair ho, short hair ho, please hair spa kijiye ghar pe, theek hai? Okay, wrinkled neck ko kaise contour kare? Okay, that comes to the contouring part jise ki mujhe next session mein cover karna hoga. Wrinkled agar aapke neck hai to of course uske liye ye product nahi, aapko GG ka jo hamare paas master creation foundation hai use karna padega, to uske bare mein main zarur baat karungi agle session mein. So, yes, I think I have answered almost all the questions which you have. Okay, short hairstyle. Somebody is asking me short hairstyle. Okay, short hairstyle, dear, I am going to make a video for you exclusively. Halanki mera hair utna short nahi hai, par phir bhi main aapke liye ek video bana ke share karungi. Thank you so much for your feedback. Makeup cream bronzer use kora jay makeup. Okay, makeup cream for bronzer use. Yes, bronzer you can use, bronzer definitely use korben. Shampoo and conditioner which is good for hair, smoky eyes, a lot of question. Okay, amar mone hoy if I go to answer all these personal questions, but definitely I will try coming back to all of you dear. Ajke amar kache oto shomoy nei because next session ekhane hote choleche. So for hair care guide ba karo personal kono problem thakle definitely amra Facebook live ba next ekta session e connect korbo where we will be discussing only about consultation. So that's a promise from my end. Ami definitely consultation er jonno ekta next session arrange korbo shobar jonno jar ja consultation lagbe, hair hook, skin hook, anything and everything, I'm going to be there for you. Okay, so till then thank you so much everyone for being there. Ar asha kori shobai ready with their products. Now let's go for the selfie time. Please nijeder cameras gulo ektu on kore felun so that we can take selfies. All right, oh my god, so many people are there. Ami ekbar selfie ta niye ni shobar. Oh my god, I loved it. সবার এই ফটোটা আমাদের ফেসবুকে আসবে। ওকে, জাস্ট আ মোমেন্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ আবার সবাই। ওকে, আই হ্যাভ আ লট অফ পার্টিসিপেন্টস, ও মাই গড, আই জাস্ট কান্ট বিলিভ ইট। আমার এত ভালো লাগছে সবাইকে নিজেদের পছন্দসই প্রোডাক্ট হাতে নিয়ে পোস্ট করতে দেখে। আর এই পোস্ট গুলো কেন ফেসবুকে যাচ্ছে না আমি সেটা একটু জানতে চাই। সবার ফটোস গুলো অবশ্যই যেন ফেসবুকে যায়, নিজেরা ফটোস পোস্ট করুন এন্ড পুট ইট আপ অন ফেসবুক। ওকে, সো আই জাস্ট লাভড ইট। ইয়া, অল রাইট, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান ফর টিউনিং ইন আজকে জয়েন করার জন্য। Yes, I have taken your pictures, everyone. Thank you, and I love you so much. Ami shobar chobi niye niyechi. Now you can stop posing. Shobai amake bye korche. So yes, bye bye everyone. Khub bhalo thakben. Shobai barite shusto thakben. Eto din bade shobar mukh dekhte pe amar shotti eto bhalo lagje. I can't explain it to you.
অফকোর্স আমরা দূরে আছি, বাট দেন অরিফ্লেমে আমাদের ভালোবাসা, আমাদের লাভ সবসময় আমাদের কাছে টেনে রাখে একে অপরের। সো আই লাভ ইউ অল, সো সি ইউ অল ভেরি সুন, ডেফিনেটলি আবার এরকম কিছু এক্সাইটিং সেশন নিয়ে আবার আমরা রিটার্ন করবো। থ্যাংক ইউ, টিল দেন বি সেফ, স্টে সেফ, ভালো থাকবেন, বাই বাই।